बोलो क्या बात है, क्या हुआ, कहाँ से आए हो? बखरी बेगूसराय रामपुर से, बिहार से। गुस्सा रही है? जो आने का मन कर रहा है। जो आने का मन कर रहा है। माइक से बात करो। चिल्लाऊंगा मैं मारूंगा मैं। मैं असत नहीं। तुम रक्षक हो ना? जी, मैंने इसको यहाँ भेजा है। वाह, कोई मायका ताकत नहीं जो इसको बुलाए। एक सच्चे हो इसलिए आया है, नहीं तो नहीं जाता ही नहीं। ये बट नहीं बोला करें कहीं, माइकल तो बहुत सारे दुनिया में। जी नहीं, कोई दुष्ट आत्मा इसको नहीं बुला सकता। मैं कोई ऐसी वैसी रोड पे चल दे सकती नहीं हूँ। बात सही है, तो हनुमान जी तो है माइकल। मैंने भेजा है इसको यहाँ। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री आत्मा के सामने आए ना जी। धन्यवाद। इस बच्चे को मैं चाहता हूँ, आप अच्छी शक्ति हैं, आपने परिचय बहुत अच्छा दिया। मुझे आपसे कुछ ज़्यादा कहने तो नहीं है, लेकिन सुनना ज़्यादा है। इस बच्चे से ऐसी कौन सी चूक हुई, इस बेटी से ऐसी कौन सी चूक हुई, ऐसे इसके परिवार से ऐसी कौन सी चूक हुई है जिस कारण से आप इसको परेशान कर रहे हैं या आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कारण क्या है? बेटा चश्मा खेल लो, आंखें बंद करिए। जय श्री राम। प्रय मंत्री श्री वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का। पुनः प्रति हो और वार्तालाप जारी। हाँ जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस बच्चे को। अच्छा, फिर उसमें आओ। चलिए आप मेरे से सुन लीजिए, ठीक है? मेरे से सुन लीजिए, सुनने हमें ना आए ना। सुनिए, देखिए, परेशान मत हो, आप शरण में आए हो, आपकी इज्जत रहेगी, ठीक है? बस आपसे आशा है, क्योंकि तुम राम जी के भक्त हो, हनुमान जी के भक्त हो, धर्म के साथ हो, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? हमने लिखा, सुने, देवी का स्थान मंदिर निर्माण होगा, संपूर्ण शक्ति आपको प्राप्त होगी, वहाँ ब्रह्म देव ब्रह्म परीत आपका सहायक होकर पताका लहराएगा, आशीर्वाद है। और वो ब्रह्मदेव जो 3 करोड़ ब्रह्म भैरवों के साथ में है, जो महाकाली भगवती का सहायक है। मैंने मंदिर बना दिया। माइक से बोले, मंदिर बना दिया है, मंदिर बना दिया है, मंदिर बना दिया है, 1 साल में बना दिया है। तो अब क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सब मिलकर इसको परेशान करता है, झूठे लगता है, ये वैसा नहीं है कुछ। क्या आरोप लगाया गया आपके ऊपर? बेईमान है, मैंने चेक कराया, उसमें भी बोला बेईमान है, 1 रुपया नहीं लिया ही। अच्छा, तो किसने नहीं लिया? इसे देखना सामने, किसने लिया, किसने लिया 1 रुपया? मैंने नहीं लिया। आपने नहीं लिया या शक्ति ने नहीं लिया? नहीं लिया है। मतलब ये बच्चा नहीं लिया? तो एक वचन में बोलो, 2 वचन में नहीं, क्योंकि हम थोड़ा वकील भी है ना, तो लगता है कि गड़बड़ तो नहीं हो रहा। तो मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि इस बच्चे ने नहीं लिया जी, आप पुष्टि कर रही हो आप। भाई मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि पुरुष के अंदर स्त्री कैसे आएगी। आपकी जो शक्ति है, आप जिस शक्ति से विदा से आ रही हो, वो तो आप देवी है, नर नारी रूप है। कोई बात नहीं, शांति से सुनिए। पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ है या उसमें डिफेक्ट भी कोई दिक्कत आई आपने पित्त की थैली में? डॉक्टर ने बताया? माइक से बोलिए। स्टोन बताए थे डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने पित्त की थैली बताया जी? स्टोन लाभ होगा, खतरा नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। ये मेरे गुरुजी भी बोलते हैं। हैं मेरे एक हैं चाचा जी हैं, वो भी ये बात बोलते हैं। जाओ, हनुमान जी कृपा करें। दूसरा पॉइंट, आपकी माँ कालिका
का दरबार वार्ड क्रमांक 1/3 यानी कि एक नंबर वार्ड में आपका पता का लहराएगा। पंडोखर सरकार की कर्ज पटेगा शीघ्र, शेष जिंदगी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सूक्ष्म उपाय बताऊंगा बिगर खर्च वाला। अब तो मन की बात है, मेरे मन की बात। माइक से बोलो, क्या बोले? मेरे मन की बात है, आज तक जिंदगी में ऐसा दौर नहीं आया। कोई नहीं जानता ना, तभी तो मैं साल में 2 बार घूमने जाता हूँ, 50,000 साल में 2 टूर करता हूँ, धार्मिक 50,000 से 70,000 खर्च करता हूँ, लेकिन यहाँ मेरे खर्च करने वाले कोई पैसा नहीं है। आइए, सूक्ष्म उपाय जिसमें खर्च कम हो, लेकिन जाओ आप एक पात्र में 25 रुपए की शक्कर डाल के 11 दिन पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएं, माँ भगवती के पीछे चढ़ाएं, और ये शमशाल काली नहीं है, ये काली दक्षिणमुखी काली नहीं है, ये काली उत्तरमुखी काली है। कौन सी मुख काली है? भगवान शंकर की काली है, भगवान शंकर की काली है, भगवान शंकर की काली है, काली के शंकर नहीं है, नहीं तो फिर लातों में आ जाएंगे। मेरी बात हो रही है ना? तो शंकर शिव सदा शिव, तो ये उत्तरमुखी महाकाली है और दक्षिणमुखी विनाशक नहीं है, ये रक्षक है, तो इनके साथ रहिए, बटुक भैरव कृपा करेंगे, आशीर्वाद। साथ ही 99% मनोरथ पूर्ण होंगे। आपके पिताजी कृष्ण नारायण, कृत नारायण मान लो, वैसे मैंने कृत ही नारायण लिखा है साहब स्क्रीन पर, बताओ कृष्ण नारायण लिखा है या कृत नारायण लिखा है? ऐसा मार्च की जीव निकल जाता है तो निकल जाता है, लेकिन गुरुजी चूकने का मौका नहीं देते, आगे चुका देते तो पीछे बना देते। हनुमान जी कृपा करेंगे, मेरा आशीर्वाद है, माँ भगवती सहायक हूं, आशीर्वाद है। जय श्री राम। जाओ छू सकते हो, लो ये तो सब प्रताप प्राप्त करो, और एक आपके आसन के नीचे रखा, उठा लो, जाइए, आशीर्वाद, जाइए। ये अपने पूजा घर में रखना है, पाने के लिए नहीं, पूजा घर में रख लीजिएगा। चले, आप कितने पढ़े लिखे हैं भैया? मात्र मैट्रिक पास हूँ, इंटर में फेल कर गया। आज के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी दरबार में मत जाना। आओ, मैं नहीं जाता हूँ, मेरी बात सुनो, हम जो कह रहे वो सुनो, कभी किसी दरबार में मत जाना, कभी किसी से पूछना मत, बड़ी शक्तियाँ ज्यादा जगह पूछने से रुष्ट हो जाती हैं। ये तो क्या है, बराबरी का स्थल है, तो यहाँ से तो खुशी मिलेगी उनको, कहीं क्षुद्र जगह पहुंच गए तो आप निपट जाओगे। आप अपने ज्ञान को, पूजा पाठ को बढ़ाओ, साधना को बढ़ाओ, लेकिन जगह जगह पूछने से आपका पावर लेस होता है। ये मुझे शारीरिक नहीं बोलना था, जो मैंने अब बोल दिया भावों के, कभी मिले नहीं मिले, अच्छे भक्त को, अच्छी शक्ति को, और अच्छे शक्ति के साधक को गाइडलाइन करना आचारों की जिम्मेदारी होती है। हम तो आचार नहीं है, लेकिन आचार मुझसे सुना है, तो मैंने ये पर्स दिया है, हमको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। एक बात मैं बोलूं, एक बात बोले, बोले ये शक्ति इतनी बड़ी थी कि मुझे 200 डंडा मारा गया, 200 डंडा माँ भगवती के दरबार के सामने खड़ा करके, रंगबाजी टैक्स नहीं दिया तो कौन है, लेकिन मुझे 1 रुपये का दवाई नहीं खाना पड़ा। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद, चल लाभ होगा, चल।